हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग जो आज पेपर हुआ है एनडीए का 6 सितंबर 2020 को, ठीक है ना, उसकी जो हमारे पास सीरीज़ है वो सी सीरीज़ है। आइए उस सीरीज़ के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और उनके आंसर्स को चेक करते हैं कि क्या उनके आंसर्स करेक्ट हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी, बी साइन स्क्वायर वाई प्लस ए कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू डी, एंड पी टेन एक्स इक्वल टू क्यू टेन वाई। तो फ्रॉम दिस थ्री इक्वेशंस यू हैव टू फाइंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, तो आपको ये वाला ऑप्शन सही मिलेगा, ए ऑप्शन सही मिलेगा, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चन आंसर आएगा ये भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले आंसर्स इसके डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग जो है इनके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी माइनस ए होल अपॉन बी माइनस टी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। आप लोग अपने आंसर्स भी मिलाते रहिए ताकि आपके कितने सही हैं कितने गलत हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको यहाँ से वी ऑप्शन सही मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। आप लोग साथ में अपने देखते रहिए कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं कितने गलत हैं, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने क्वेश्चंस को भी मिला रहे होंगे कि आपके कितने 120 में से कितने क्वेश्चन सही करके आते हो। और अगर आपके 50 प्लस सही हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप सेकंड पेपर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ टी एन इक्वल्स टू साइन एन थीटा प्लस कॉस की पावर एन थीटा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो एक आर डी शर्मा में एक सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। जब इसको आप सॉल्व करके लाएंगे, ठीक है ना, तो आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहे T1 स्क्वायर माइनस T2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो T1 स्क्वायर माइनस T2 की वैल्यू जब निकालोगे यहाँ से, तो आपको मिल जाएगा इसका बी ऑप्शन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ T10 व्हेन एवर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो जब यहाँ जो T10 है ना, ये यहाँ पे रखोगे और थीटा की वैल्यू 45 रखोगे, तो देन यू विल गेट व्हाट, इस टर्म का कितना आंसर मिलेगा, 1/16। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये पहले 6 क्वेश्चंस चेक कर लिए होंगे अपने आंसर के, ठीक है। हमारे पास जो सीरीज़ है वो कौन सी सीरीज़ है, सी सीरीज़ है। तो आइए नेक्स्ट अगला करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि इफ़ अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल टू 15 डिग्री देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की जब वैल्यू आप निकाल के सॉल्व करेंगे, तो आपको आंसर इसका ये मिलेगा, डी ऑप्शन सही मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहीं से आपसे ये भी पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 7 अल्फा माइनस कॉस 7 बीटा, ठीक है ना, क्लियर है। तो साइन सी माइनस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगा के आपको यहाँ से इसका डी ऑप्शन सही मिल जाएगा, ठीक है। इसका 9वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस 1 प्लस कॉस बीटा प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ रखेंगे, तो आपको यहाँ से सी ऑप्शन सही मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ साइन एक्स प्लस कॉस साइन वाई इक्वल्स टू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स, और देन आपसे पूछ रहा है और ये कंडीशन दे रखी है क्या कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टेन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे, जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखेंगे, तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगा, सही सही मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। इस सारे क्वेश्चंस के भी हम लोग आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं और इनके सॉल्यूशंस भी हम डिस्कस करेंगे, वीडियोस बनाएंगे इसके ऊपर भी, ठीक है। तो आप लोग आज अपने आंसर्स चेक कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ़ ए इज़ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/5 एंड बी इज़ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5/3 देन व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए विल बी। तो ए बी और बी ए का ऑर्डर पूछ रहा है, तो ए बी का ऑर्डर 3/3 हो जाएगा और बी ए का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 5/5, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी लोगों ने सही करा होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर ये जी पी में है। तो कह रहा है P
पी क्यू आर किस में होंगे, तो सबको पता होता है यार ये जी पी में होंगे। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि अगर पी क्यू आर अगर जी पी में है तो लॉग पी, लॉग क्यू और लॉग आर किस में होंगे, ए पी में होंगे। पॉपुलर क्वेश्चन है, तो यहाँ से इसके दोनों ऑप्शन सही होने की वजह से इसका आंसर कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन, बोथ वन एंड टू, ये वाला सही होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक ये 12 क्वेश्चन सबने सही से चेक कर लिए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ कॉट अल्फा कॉट बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा प्लस बीटा। तो कॉट अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस वन अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, ठीक है ना। और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला कंडीशन लगा के जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा माइनस, सॉरी बी ऑप्शन मिल जाएगा, वन अपॉन थ्री का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि इफ द रूट्स अल्फा बीटा आर द क्वाड्रेटिक आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस एंड दिस, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ सच क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ऐसे इक्वेशंस कितने बन पाएंगे, ऐसे इक्वेशन बन जाएंगे दो। कौन कौन से बनेंगे अगर आपसे पूछा जाए, तो आप एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये ले लो, एक्स माइनस वन का ऑल स्क्वायर, तो यहाँ से आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू वन वन मिल जाएगी, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू जीरो मिल जाएगी और यहाँ से बीटा की अल्फा बीटा दोनों जीरो मिल जाएंगे, फिर से ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा हमारा टू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। देखो कितना बेसिक क्वेश्चन आया, क्या करो सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करने के बाद में टेन थीटा निकालो और ये शायद थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाके इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आपको मिल जाएगा 240 डिग्री, ठीक है ना। आइए 16वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कह रहा है कि इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस, देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है ए हार्मिशियन होगा, ए इसकी हार्मिशियन होगा, ए बार प्लस का मतलब ट्रांसपोज प्लस ए इज हार्मिशियन, और ए बार का ट्रांसपोज प्लस ए इसकी हार्मिशियन होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारा कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। हार्मिशियन मैट्रिक्स आप लोग जानते होंगे, अगर इसके कंजुगेट मैट्रिक्स बनाएं अगर उसकी वैल्यू अगर उसी के इक्वल आ जाए तो हार्मिशियन होता है, माइनस के इक्वल आए तो इसकी हार्मिशियन होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ ए डैश प्लस ए जो है हार्मिशियन मिलेगा, ठीक है। अगर ए माइनस ए डैश पूछता तो वो इसकी हार्मिशियन मिलता, ठीक है। देखो ये कितना अच्छा आसान क्वेश्चन आ गया, द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ द बायनोमियल एक्सपेंशन दिस वन इज, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका आंसर मिल जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, क्लियर है, तो आपको बहुत आसानी से इसका जवाब मिल जाएगा। अब देखो ये आर डी शर्मा का सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया कि कह रहा है व्हाट इज द मतलब द वैल्यू ऑफ ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री, इस तरीके से इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करो, इसमें एक्स इक्वल टू वन रख दो, तो वन रखने से वन कट जाएगा, टू की पावर सिक्स आएगा, टू की पावर सिक्स का मतलब 64 आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ये आपको दे रखा है, एन सी आर बराबर ये इस सारी चीज़ें दे रखे हैं। तो आपको ये बेसिक सिंपल फार्मूला लगाना है, एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, तो यहाँ से आपको जब सॉल्व करके चलोगे तो आपको यहाँ से 10 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे साथ अपने क्वेश्चंस पेपर में भी टिक लगा रहे होंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में लेके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। और अगर 50 से ज़्यादा सही होते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ 100% आपका इंडिया पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट कह रहा है फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के इज द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का कंडीशन होता है कि इसका जो मॉड जो डिटर्मिनेंट होता है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो जब इसको सॉल्व करके लाओगे तो यहाँ से आपको इन्फाइनाइट वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है ना। फिर ये देखो आपका ये सीधा बाइनरी ऑपरेशन का एक बाइनरी नंबर्स का जो सम का फार्मूला दे दिया, और यहाँ से जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये देखो लॉग का कितना बेसिक क्वेश्चन आ गया, समझ पा रहे हैं आप। तो देखो इसमें क्या करो, लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करोगे और आपको इसको सॉल्व करके लाओगे तो यहाँ से आपको जो है जीरो आंसर मिल जाएगा,
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है कि इफ़ एक्स इक्वल टू दिस, वाई इक्वल्स टू दिस एंड जेड इक्वल्स टू दिस, देन व्हाट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही होगा, ठीक है ना। तो इसका जब हम सॉल्व करके लाएंगे तो यहाँ से आपका जो है सी ऑप्शन सही मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कि कह रहा है ए इक्वल्स टू दिस दे रखा है, बी इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स दे रखा है और सी इक्वल्स टू ये दे रखा है, एंड इफ ए बी इक्वल टू सी, मतलब ए और बी का आपको प्रोडक्ट करना है और उसको हमें सी के इक्वल रखना है, तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपकी कितनी, माइनस का 14, ठीक है। के लिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इक्वेट करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देंगे और फिर आप जो है यहाँ से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ दिस एक इनइक्वालिटी दे रखी है, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे और नंबर लाइन बना के इसको प्लॉट करेंगे तो आपको ये वाला इसका डी ऑप्शन सही मिलेगा, ठीक है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन अगला आया कि इफ एस इक्वल टू एक सेट दे रखा है और रिलेशन आर दे रखा है एस क्रॉस एस में, कह रहा है कि लॉग ए एक्स इज ग्रेटर देन लॉग ए वाई, और कह रहा है ए इक्वल्स टू वन बाई टू देन द रिलेशन आर इज, तो यहाँ से जो रिलेशन मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा, ट्रांजिटिव ओनली, क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए, तो देखो यहाँ आई स्क्वायर माइनस वन होता है, आई क्यू माइनस आई होता है, और ये सारी वैल्यू आप यहाँ रख देंगे और फिर इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ से ऑप्शन ये वाला सही मिल जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग लगातार अपने क्वेश्चन में टिक भी लगा रहे होंगे मेरे साथ, ठीक है। आइए आगे के क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ए इक्वल्स टू दे रखा है, बी इक्वल्स टू दे रखा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी, मतलब ए और बी का सिंपली आपको प्रोडक्ट करना है, तो ए और बी का प्रोडक्ट सबको आता है, तो आराम से आप जो है करके सी पे टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड एवल कैन बी अरेंज सो दैट द वोवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, ठीक है। तो चार प्लेस हैं और चार में से दो वोवेल हैं, दो कॉन्सनेंट हैं, तो टू इंटू टू फैक्टोरियल, टू इंटू फैक्टोरियल टू, मतलब यहाँ से चार आंसर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फाइव नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स, तो पांच ओवरलैपिंग सर्कल्स हैं, तो यहाँ से जो है आपको ये 20 आंसर मिल जाएगा, ठीक है, डन। आगे करें, अगला करें, देखो ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देखो ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, नीचे इसका मॉड लिखा है, इसका बार लिखा हुआ, कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, तो अगर इसका वन है तो इसका भी वन हो जाएगा, जितना इसका है उतना इसका होगा, तो इससे इसमें डिवाइड करोगे तो आपको हमेशा आंसर वन मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो अच्छा है, कंसीडर द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ दिस, हाउ मेनी ऑफ दिस प्रॉपर सबसेट्स आर द सुपर सेट ऑफ द सेट थ्री, इनमें से कह रहा है कितने सुपर सेट्स होंगे इसके, तो यहाँ से 7 सुपर सेट्स बन जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि लेट पी क्यू आर आर द थ्री सेट्स, और इस तरीके से आपको एक डी दे रखा है, कह रहा है कि इस कंडीशन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ये देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और यहाँ से डी की वैल्यू हमेशा जो है कैसी होती है, लेस देन जीरो होती है, ठीक है, क्लियर है। हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियोज, नेक्स्ट आगे आइए। अगला क्वेश्चन है 34, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, कितने गलत गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द सम ऑफ द लास्ट फाइव कोएफिशिएंट, ठीक है ना, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस व्हेन द एक्सपेंडेड इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो 9 पावर्स लगा हुआ है, तो अगर एक्स इक्वल टू 1 रख दोगे, ठीक है ना, तो यहाँ से 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 का मतलब 512, और 512 10 टर्म होंगे, उसमें से आधा पूछ रहा है, हाफ का पूछ रहा है, तो हाफ का इसका हाफ कर देंगे तो 256 इसका आंसर हो जाएगा। ये कितना ऑब्वियस क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन तो किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा। देखो ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू जितनी होती है उतनी एडजॉइंट ए इंटू ए की वैल्यू होती है, ठीक है, सबको पता होता है, और एडजॉइंट ए का मॉड और ये दोनों बराबर नहीं होते, तो कहने का मतलब यहाँ से पहला ऑप्शन सही है, तो कहने का मतलब पहला सिर्फ ए सही है इसका, ठीक है। आगे कह रहा है कि द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का सेंटर आपसे पूछ रहा है, इस सर्कल का सेंटर पूछ रहा है, तो सर्कल का जब सेंटर, ये जो डायमीटर फॉर्म दे रखे है सर्कल के, तो यहाँ से जब इसका सेंटर निकालोगे तो आपको ये ए प्लस बी और सी प्लस डी ये सेंटर मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट 1, -1 इज द वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर देन दिस दे दिस, और ये दे रखा है, कह रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल, दूसरे डायगोनल का आपको इक्वेशन बताना है, तो एक डायगोनल दे रखा है और डायगोनल्स के बीच में, स्क्वायर के डायगोनल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है,
दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो m1 इंटू m2 लगा के इसका स्लोप निकाल देंगे, और इसके स्लोप से जब इसको इक्वेट करेंगे ना, तो यहाँ से आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है अगर एक P पॉइंट है x, y और जो कह रहा है इलिप्स के ऊपर लाई करता है, तो और कह रहा है Q एक पॉइंट है और एक R पॉइंट है, ठीक है ना, तो कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी क्यू प्लस पी आर। तो देखो पी क्यू प्लस पी आर की वैल्यू कितनी होगी, 2a के बराबर। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख लीजिए, और यहाँ से 2a, भाई इलिप्स में क्या होता है, सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, एंड दैट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू वॉट, 2a। तो यहाँ से जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगा, और a की वैल्यू आपको 5 मिलेगी, तो यहाँ से आप 2a जब निकालेंगे तो आपको इसका आंसर 10 मिल जाएगा। ठीक है, कह रहा है इफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल दिस फॉर्म्ड बाई दिस लाइन इज दिस, देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ k। ठीक है ना, तो यहाँ से जब k की वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस का 1। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं कि इफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू x, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड इंक्लाइंड टू द x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ थीटा इज दिस। ठीक है ना, तो यहाँ से जब आप उसकी लेंथ निकालेंगे तो आपको इसकी लेंथ निकल जाएगी। ये सारे क्वेश्चन हम लोग वीडियो बना के डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी देंगे, लेकिन आज का जो पर्पस है वो ये है कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हैं और कितने गलत हैं। ठीक है ना, ये चीज़ चेक करते हैं। कह रहे अंडर विच कंडीशन द थ्री पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर, तो कोलिनियर का कंडीशन लगा दीजिए कि एरिया को इक्वल टू जीरो कर दीजिए, यहाँ से आपको कोलिनियर का कंडीशन मिल जाएगा, और ए डी इक्वल टू बी से यहाँ से इस सॉल्यूशन में मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वन इज 42। लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल, डी और ई दे रखे हैं, इसके पॉइंट्स मिड पॉइंट्स हैं ए बी और ए सी के, तो कह रहा है लेंथ ऑफ दिस बताइए। तो लेंथ ऑफ दिस यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको लेंथ मिल जाएगी, लेंथ यहाँ से 10 यूनिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस इज दिस, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ से सारी चीज़ों को पुट करने के बाद वैल्यू जब निकालेंगे तो आपको यहाँ से 5 वैल्यू मिल जाएगा, 5 आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द ऑब्टूज एंगल बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस, जिनके स्लोप्स आपको दे रखे हैं। तो स्लोप्स आपको मान लो ये m1 दे रखा है और ये m2 दे रखा है, वही फॉर्मूला लगा दीजिए, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और वहाँ से जब इसको लगा के सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इफ लाइन दिस एंड दिस आर इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर, देखो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम ही होता है, तो क्या करो c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लो, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, और साइड इनटू साइड जब लगाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका 16 स्क्वायर यूनिट्स आंसर मिलेगा। ठीक है, अगला देखो वेन डायग्राम का बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और आपको एक वेन डायग्राम में सब कुछ रिप्रेजेंट करके दे रखा है, और इसको आप सही से अच्छे से पढ़िए, और आपसे कह रहा है कि वाई और जेड का रेशियो वो 4:5 दे रखा है, तो कह रहा है वी की वैल्यू बताओ। ठीक है ना, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वी की वैल्यू 21 मिल जाएगी, और यहाँ से nx प्लस ny प्लस nz माइनस ये सारी चीज़ों के जब इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा a प्लस बी और प्लस 106। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बिलोंगिंग टू द नीदर x नॉर y नॉर z इज इक्वल टू p, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स में कितने एलिमेंट होंगे, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स में ये एलिमेंट आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है, ये सारे डिस्कशन हम लोग करेंगे, बट राइट नाउ जस्ट वी आर ओनली चेकिंग द आंसर्स, वेदर द आंसर्स आर करेक्ट और नॉट, गॉट इट। आइए नेक्स्ट 49 क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है tan 3 a अपॉन tan a इक्वल्स टू के, और कह रहा है एंड tan a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड k इज नॉट इक्वल्स टू 1/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर a। ठीक है ना, तो tan स्क्वायर a की जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा यहाँ से। ठीक, फिर tan 3 a की वैल्यू रख देना, क्लियर है, और फिर इसको सॉल्व करते रहेंगे और आंसर मिल जाएगा। फिर कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इफ वेयर k कैन नॉट लाई बिटवीन, k किसके बीच में लाई नहीं कर सकता है। तो k जब इसको सॉल्व करेंगे तो k यहाँ से जो है 1/3 से लेकर 3 के बीच में लाई नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी टाइप का है,
ठीक है, लेकिन हम इसके आंसर्स टिक कर लेते हैं और इनके सॉल्यूशंस को हम बाद में ही डिस्कस करते हैं। तो कह रहा है ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है सच दैट ए बी और सी डी पैरेलल हैं और बी सी इसका परपेंडिकुलर टू देम है, ठीक है, और ये दोनों एंगल्स अल्फा थीटा और ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि ए डी साइन थीटा इक्वल टू ए बी साइन अल्फा मिलेगा, हाँ मिलेगा यहाँ से, ठीक है ना, और इसी तरीके से वाली कंडीशन भी मिल जाएगी। तो इसमें ये दोनों स्टेटमेंट सही रहेंगे, ठीक है ना, कैसे सही होंगे ये हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो बना के, लेकिन फिलहाल मैं अभी आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कि व्हाट इज़ ए बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो ए बी का लेंथ अगर पूछा जाएगा तो ए बी का लेंथ जब सॉल्व करके निकाल के लाएंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि टेन थीटा इक्वल टू कॉस 17 माइनस साइन 17 अपॉन कॉस 17 प्लस साइन 17, इन दोनों में फॉर्मूला लगा दिए, सारी चीज़ें निकाल के जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 28 मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ ही सॉल्व कर रहे होंगे, और आप लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए, और अगर आप 50, 55 से 60 तक अगर सही करते हो, बिल्कुल एक्यूरेट करते हो, तो आपका सिलेक्शन होना तय है। देखिए कि ए एंड बी आर टू आर अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल सच दैट द कॉस 2b इक्वल्स टू दिस और 3 साइन 2a इक्वल्स टू दिस। तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b, तो a प्लस 2b की जब यहाँ से वैल्यू निकालोगे आप इन दोनों कंडीशंस को लेके, तो आपको पाई बाई 2 90 डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, देखो यहाँ कितना आसान दे रखा है, 4 साइन, ये देखो साइन 3a की वैल्यू लिख रखी है, ये वाली वैल्यू किसकी दे रखी है, कॉस 3a की दे रखी है, इसे ये काट दो, इसे ये काट दो, यहाँ से 0 पे आंसर टिक लगा दो, ठीक है, क्लियर है। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि y इक्वल्स टू 2 प्लस कॉस एक्स किस इंटरवल में लाई करेगा, भाई कॉस एक्स कहाँ लाई करता, माइनस 1 से प्लस 1 तक, ये तो लाई करता। अब यहाँ दो और ऐड करना, दो और ऐड करो, इसमें दो ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, इसमें दो ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा, तो ये 1 से 3 हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन देखो, कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस दिस एंड दिस, इन सब की वैल्यू मिला के कितनी है, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस 10 डिग्री आएगी, ठीक है, मैं यहाँ से बनेगा कॉस 10 अपॉन साइन 10 बनेगा, तो ये कॉस 10 बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 48 माइनस कॉस 12, तो इसको जब सॉल्व करके लाओगे तो यहाँ से आपको बी ऑप्शन सही मिलेगा। वही फार्मूला लगाना है आपको, कौन सा वाला, कॉस ए माइनस कॉस टी वाला, ठीक है, और आप आराम से आंसर तक पहुँच जाएंगे, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो थोड़ा लेंदी दे रखा है, कह रहा है कि इफ ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और कह रहा है ए एंड बी, और कह रहा है साइन बी इक्वल टू 1/3 एंड कॉसिक सी इक्वल्स टू 3, तब कह रहा है एक तो ये चीज़ दे रखी है और दूसरे में कह रहा है कि वी कॉस सी इक्वल्स टू सी कॉस बी, और कह रहा है एंड इफ द ट्राइंगल दिस इज नॉट अ राइट ट्राइंगल देन ए बी सी मस्ट बी एन आइसोसेलेस, ठीक है ना, तो इसका ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है, पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ओनली बी ऑप्शन सही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ये आपको दो कंडीशंस दे रखे हैं, और इन दोनों कंडीशंस को जब आप देखोगे तो ना तो ये सही है ना ये सही है, इसका नीदर ए नॉर बी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक 60 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना, और आइए आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर मॉड ऑफ एक्स, मॉड्यूलस दे रखा। अब मॉड्यूलस फंक्शन डिफरेंशियबल कहीं नहीं होते, कंटिन्यूस हर जगह होते हैं, तो यही आपसे पूछा गया क्या कि द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है, कह रहा है डिफरेंशियबल भी है, नहीं गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ओनली वन, ओनली वन मतलब ए ऑप्शन सही है। अच्छा यहाँ से आ जाओ, कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, तो देखो यहाँ क्या करो 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से 2 साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, ये 1/2 और ये हो जाएगा साइन 2x। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू पूछी, तो साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो 1/2 इंटू 1 करोगे तो 1/2 आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो क्या करो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, जब एल हॉस्पिटल रूल इसमें लगाओगे, ठीक है ना, तो यहाँ से ये कट जाएगा और ये तो कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको जो है 0 आंसर मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट इनवर्स एक्स, तो देखो टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव में कितना फर्क होता है, माइनस का फर्क होता है, तो इसका -1 आंसर हो जाएगा,
ठीक है, क्लियर है। द फंक्शन यू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू सी कह रहा है, तो कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी बुक में कौन सा 9 चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, और इसका आंसर इसका ये रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो मिनिमम वैल्यू देखो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, कॉस ए प्लस पाई बाई थ्री की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी भाई, साइन कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन, तो माइनस वन यहाँ रखोगे तो थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री बीटेक लगाना है, मतलब ऑब्वियस क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन जब बेसिक चीज़ें पता होंगी तभी हो पाएंगे, अदरवाइज इतने आसान भी नहीं है जितने आसान लोग कहते हैं, ठीक है। आपको रूल्स और बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन कितना आसान है, देखो हमने बहुत बार इस क्वेश्चन को डिस्कस करा है। देखो कह रहा था फंक्शन दिस लॉग एक्स हमेशा इंक्रीजिंग होता है जीरो से इन्फिनिटी में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और कह रहा है फंक्शन टेन एक्स भी इंक्रीजिंग होता है, हाँ बिल्कुल होता है इस इंटरवल में, तो कहने वाला दोनों स्टेटमेंट सही, हाँ बिल्कुल सही है, तो इसके ए एंड बी बहुत सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्राफ दिस, तो देखो अगर इसका डोमेन निकालो इसका रेंज और ये सारी डिस्कशन करेंगे, तो डोमेन कैसे निकलता है, देखो रैशनल फंक्शन का डोमेन निकलता है आर माइनस, जो भी इसको इक्वेट करोगे जीरो से, तो यहाँ से वन करोगे तो आर माइनस वन, आर वन नहीं होना चाहिए, ये ठीक है ऑप्शन, अच्छा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसका ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा इसको, तो इसका बी ऑप्शन सही निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। डिटेल में हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ जस्ट वी आर चेकिंग द आंसर्स ओनली, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, तो इसका जब यहाँ ln इधर जाएगा ना, log का रेसिप्रोकल करोगे तो e की पावर x आएगा, और e की पावर x का जब डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से आपका ये आंसर मिल जाएगा, क्या कि e की पावर x प्लस c कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन आ गया, क्या है कि एल बी द लेंथ एंड बी बी द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल सच दैट एल प्लस बी इक्वल टू के, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी करेंगे और वहाँ से एक की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और यहाँ से आपको जो है के स्क्वायर अपॉन फोर आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नंबर फोर एंड नाइन हैव द फ्रिक्वेंसीज दिस एंड दिस, देयर अर्थमेटिक मीन इज सिक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ये कोई भी क्वेश्चन ये लगा देगा, कोई भी मतलब टेंथ क्लास का बच्चा भी क्वेश्चन लगा सकता है आसानी से। अगला क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इफ थ्री डाइस आर रोल्ड अंडर द कंडीशन दैट नो टू डाइस सो द सेम फेस, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द फेसेस इज हैविंग द नंबर सिक्स, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग वीडियो बना के सॉल्व करेंगे, फिलहाल में इसका आंसर है 5/9, ठीक है, क्लियर। आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू दे रखा है, ये इंटरसेक्शन ये दे रखा है और नॉट ए ये दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, करेक्ट करेक्ट कौन सा नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो ए यूनियन बी की वैल्यू कभी इससे दोनों के सम से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होता है, ये होता है हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो होता है। अब चूंकि यहाँ ये चीज़ दे नहीं रखी है या इंटरसेक्शन 1/3 दे रखा है, तो जब ये माइनस होने के बाद तब ये इक्वल है, तो कहना होता है ये चीज़ कभी भी इसके बड़ी नहीं हो सकती, हमेशा इससे छोटी रहेगी, तो यही वाला आंसर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है, बहुत सारे लोग करेक्ट समझ के और दूसरे पे टिक लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द डिविजन्स ऑफ ए नंबर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिस दिस दिस, ये दे रखा है, सम ऑफ द डिविजन्स ऑफ द सेम सेट इज ऑब्जर्व दिस, ये दे रखा है, ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, तो यहाँ से जब आप फार्मूला लगा के निकालेंगे तो एन की वैल्यू आपको जो है 100 मिलेगी। अ सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन हैज़ द मीन 2m, और ऐसे ही दूसरा सेट है जिसमें 2n ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो m है, व्हाट इज द मीन ऑफ द कम्बाइंड, कम्बाइंड मीन आपसे पूछा गया, तो कम्बाइंड मीन का कंडीशन लगा के और इसका आंसर जब निकालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर हूज सेंटर इज दिस एंड विच टचेस द प्लेन दिस, ठीक है ना, जब इसको टच कर रहा होगा और उस दौरान इसकी कंडीशन पूछ रहा है, ठीक है ना, तो लेंथ ऑफ डायमीटर आपसे यहाँ से 4 यूनिट्स मिल जाएगा और इसका रेडियस 2 यूनिट्स मिलेगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग रेडियस जैसे ही निकलता है ना वैसे 2 पे टिक लगा देते हैं, आपको ये भी कीवर्ड भी पकड़ना है कि यहाँ सेंट डायमीटर आपसे पूछा गया, ठीक है, तो आप 4 पे टिक लगाएंगे ना कि 2 पे टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस, इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, तो लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो कितना
बहुत हल्का क्वेश्चन है, कह रहा है एक लाइन दे रखी है जिसके डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो सम ऑफ द, सबको पता होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, वन। कुछ भी पढ़ना ही नहीं, सीधे टिक लगाना है। अगला देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इनटू हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स डू द कोऑर्डिनेट प्लान डिवाइड द स्पेस। स्पेस में ऑक्टेंट, ऐसा कौन सा बच्चा होगा जिसने 11th क्लास पढ़ा और उसको ये ना बताओ कि स्पेस को कोई भी प्लान कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है ना। ऑक्टेंट्स तो सबने पढ़े होते हैं, ठीक है ना। तो देखो कितने ऑब्वियस क्वेश्चंस भी आते हैं जो आप डायरेक्टली सीधे सीधे भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। और लास्ट में आप ये जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है ना। और अगर आपके पास ए बी या डी सीरीज है तो मैं क्वेश्चंस भी देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए और देखिए और बताइए कमेंट करके कि आपके कितने सही हैं, ठीक है। कह रहा है कि विच ऑफ द, कह रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लान विच कट्स द एन इंटरसेप्ट 5 यूनिट्स ऑन द जेड एक्सिस। कह रहा है व्हाट इज द, हाँ, एंड इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल और यहाँ से 5 डिस्टेंस पे, तो यहाँ से जेड इक्वल्स टू 5 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कह रहा है इफ एक यूनिट वेक्टर ए है जो एक्स वाई प्लेन में एंगल 30 डिग्री बनाता है, ठीक है ना, देन व्हाट इज द मतलब वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो अगर आप NCERT क्लास 12th की अगर मिसलिनियस एक्सरसाइज निकालेंगे वेक्टर की, तो उसका पहला ही क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है ना। उसका एक क्वेश्चन ये इस तरीके से, और इसको आप आसानी से टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए वी द पॉइंट इन द स्पेस सच दैट ओ ए की वैल्यू दे रखी है और ओ ओरिजिन है। कह रहा है ओ इज इंक्लाइंड करता है एंगल 45 एंड 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ठीक है ना, देन व्हाट इज द वेक्टर ओ ए वेक्टर। तो यहाँ से ओ ए वेक्टर की वैल्यू पूछ रहा है, जब कंडीशन लगा के सारी चीज़ें करेंगे तो यहाँ से ओ ए वेक्टर की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कितनी, सी ऑप्शन सही मिलेगा। अगला देखिए, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम दे रखा है। कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट द डायगोनल्स। लो, ये तो कितना आसान क्वेश्चन मिल गया, है ना, सीधा आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है इसका। और ये देखो कंडीशन दे रखी और यहाँ से मॉड ऑफ वी वैक्टर की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे आप, सारी वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से ही सॉल्व होकर मिल जाएगा आपको। कह रहा है ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है, कोप्लैनर की कंडीशन लगा दीजिए आप। कोप्लैनर का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, है ना। लास्ट एक्सरसाइज आप जब देखेंगे, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री में, तो आपसे कोप्लैनरिटी की कंडीशन दे रखी है और यहाँ से जब इसको सॉल्व करके लाएंगे, ठीक है ना, तो इसका बी ऑप्शन सही मिलेगा आपको, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। जिस बच्चे ने करा है उसने सही करा है, लेकिन इसका आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखो कितना हल्का क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो यहाँ से सीधा एल हॉस्पिटल लगाओगे, तो एल हॉस्पिटल लगाओगे, डिफरेंशिएशन करोगे, इसका वन आएगा, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा, टू, और इसका 3x² का मतलब 3 आ जाएगा, तो 3 + 2 + 1 6 पे आप टिक लगा देंगे। इतने ऑब्वियस क्वेश्चंस भी आए हैं जो आपने, अगर थोड़ा भी एल हॉस्पिटल रूल आपको थोड़ा सा भी आता है तो देन डेफिनेटली जस्ट यू कैन फाइंड द आंसर विद इन जिफी, यू कैन से लाइक दिस, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे ही करते रहिए और देखते हैं लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और जरूर कमेंट करके बताइएगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। तो एक्सरसाइज चैप्टर 6 जो हमारी पहली बुक का है, ठीक है ना, उसकी पहली एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आसानी से आप इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट ये दे रखा है और इक्वल्स टू ये दे रखा है, देन कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है ना। तो क्या करो आप, इसमें कुछ नहीं करो, एल हॉस्पिटल लगा के इसको सॉल्व कर लो और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ से वैल्यू 8/3 मिल जाएगी। ये क्वेश्चन देखो कितना धमाकेदार है, इस क्वेश्चन में बहुत लोग कन्फ्यूज हुए होंगे। ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ डेरिवेशन करना पड़ेगा। और जब इसका डेरिवेट करोगे तो dy/dx का करोगे तो d2y/dx² हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा, और सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव जब मिल जाएगा और यहाँ पे पावर में है 2/3, तो कहने का मतलब 3 को अगर हटाओगे, रिमूव करोगे, तो आपको क्यूबिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे इसके जो होल पावर मिलेगा d2y/dx² का, वो 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसका ऑर्डर तो 2 रहेगा लेकिन डिग्री इसका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 2/3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑर्डर 2 डिग्री 3, ठीक है। ये देखो कितना ऑब्वियस क्वेश्चन है भाई, साइन एक्स अपॉन एक्स, इस एक्स स्क्वायर को ब्रेक कर लो, एक्स इंटू एक्स कर लो, ठीक है। और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स ये 1 होता है, और ऐसे log 1 - x अपॉन एक्स, ठीक है।
ठीक है ना। इसकी अगर आपको वैल्यू याद है तो माइनस वन होती है, अगर नहीं याद है तो लॉग वन माइनस एक्स का एक्सपेंशन कर दीजिए, एक्स कॉमन लेके कट कर दीजिए, माइनस वन वहाँ से मिल जाएगा, वन इंटू माइनस वन आपका आंसर माइनस वन मिल जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 91 करते हैं। द डिफरेंस एक आपको देखो टेबल दे रखी है मार्क्स, जिसमें फिजिक्स के मार्क्स दे रखे हैं, मैथमेटिक्स के मार्क्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, ये सारी चीज़ें दे रखे हैं। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अंडर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज लार्जेस्ट फॉर द इंटरवल, सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको जो है 40 से 50 वाले कॉलम में मिलेगा, कोई भी ढूंढ के बता देगा आपको, ठीक है ना। अगला देखिए कि कंसीडर द फॉलोइंग, इसमें क्या है कि द मॉडल वैल्यू ऑफ द मार्क्स इन फिजिक्स लाइज इन द इंटरवल दिस, कह रहा है इसका मॉड, अरे भाई फिजिक्स का मॉडल वैल्यू, फिजिक्स का मॉडल वैल्यू फिजिक्स के लिए सबसे बड़ा कौन सा है, कितना 30 है ना, 30 मतलब 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 के बीच में, हाँ 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 ठीक है। मीडियन क्या कह रहा है, मीडियन ऑफ द मार्क्स ऑफ द, इसका मीडियन पूछ रहा है तो लेस देन पूछ रहा है, तो मीडियन निकालनी पड़ेगी आपको, इसके बाद ही बता सकते हो, तो ये चीज़ गलत निकल जाएगी, लेस नहीं निकल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मीन मार्क्स ऑफ फिजिक्स, तो मीन मार्क्स ऑफ फिजिक्स लगाएंगे तो इसका मीन निकालना पड़ेगा, तो मीन निकाल देंगे, मीन फार्मूला लगा के, कोई भी फार्मूला लगा दो आप, आपको ये वाला ऑप्शन इसका मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आइए अगले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बस हम लोग लास्ट में पहुंचने वाले हैं। और कह रहा है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, और जब इसका आप स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे तो आपको यहाँ से आंसर मिलेगा 4, ठीक है। आपको देखो ये तो बिल्कुल सारी चीज़ें आपको सेट दे रखी हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, ठीक है ना, और कट से आपको यहाँ से 200 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फरवरी ऑफ द लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम, वी हैव 5 संडेज, 5 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, संडेज होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 हो जाएगी। एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज दिस, और कह रहा है लेटर इट वॉज फाउंड दैट द ऑब्जर्वेशन 53 वॉज द रॉन्गली रीड एज 83, कह रहा है व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ से जो भी डिफरेंस होगा दोनों का, है ना, इसको माइनस करके और सारी चीज़ें करने के बाद और आपको जो नया आंसर मिलेगा, जो सही आंसर करेक्ट मीन मिलेगा, वो 39.7 मिल जाएगा। ये वाला देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया, हस्बैंड वाइफ अपीयर्स इन द इंटरव्यू विद द 2 वैकेंसीज, ये दे रखा है, प्रोबेबिलिटी दोनों हस्बैंड के सिलेक्शन कितनी है, वाइफ के सिलेक्शन कितनी है, कह रहा है दोनों इंडिपेंडेंट हैं, और क्या कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम इज दिस, तो क्या कह रहा है जब ऐसा कंडीशन होगा तो वन ऑफ देम मस्ट बी सिलेक्टेड, तो पहला इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब आओ अगला क्वेश्चन करते हैं, अ लीडर हैज़ अ स्टॉक ऑफ 15 गोल्ड कॉइन्स आउट ऑफ विच 6 आर, है ना, काउंटरफिट्स, ठीक है, अ पर्सन रैंडमली पिक्स दे दिस, और यहाँ से जब इसको सॉल्व करके लाओगे तो आपको जो है प्रोबेबिलिटी 1/91 आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। हम लोग इसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट वीडियोस में, आज हम लोग सिर्फ आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अ कमेटी ऑफ 3 इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, ठीक है ना। अरे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी कंसिस्ट ऑफ द 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, तो देखो कंडीशन लगाओगे यहाँ से आपको आंसर आपका 1/2 मिल जाएगा, क्लियर है। हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, है ना, नहीं तो आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ लॉटरी ऑफ 10 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम दिस टू दिस, और ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ टिकट्स आर ऑफ द प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कंडीशन लगाओगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। लेट एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द प्राइसेस लाइक दिस, ठीक है ना, और इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो भाई आपको फार्मूला लगाना, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और यहाँ से जब फार्मूला लगाएं तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। आपसे कह रहा है कि कंसीडर द रैंडम वेरिएबल एक्स और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कह रहा है एन की वैल्यू इतनी, पी इतना और वाई आपको इतना दे रखा है, तो कह रहा है एन और पी किस की वैल्यू क्या होंगी, तो एन और पी की वैल्यू यहाँ से जो है 10 और 4/5 हो जाएंगे, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इफ़ ए एंड बी आर द 2 इवेंट्स सच दैट पी ए और पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है कैसा है सही है, ठीक है। तो यहाँ से ये जब दोनों के आंसर आप जब निकालेंगे ना, तो आपको ये भी गलत मिलेगा और ये भी गलत मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नीदर ए नॉर बी, मतलब ना पहला सही है ना दूसरा सही है, नीदर वन नॉर टू, ठीक है। देखो वेज थ्योरम का क्वेश्चन आ गया, वेज थ्योरम का हमने हमेशा बताया कि वेज थ्योरम का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो वेज थ्योरम इसमें लगा देंगे और आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो,
कह रहा है कि ये दे रखा है और पी ऑफ जीरो, ये दोनों कह रहा है अपोजिट साइन है दोनों के, तो दोनों का क्या करो, इन दोनों की वैल्यू निकाल के अपोजिट साइन लगा दो, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि कौन सी वैल्यू, फिर इसको सॉल्व करते हुए लाओगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये देखो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना, ये आपका इंटीग्रेशन से सेकंड बुक से क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब आप इसको ये e की पावर थीटा साई प्लस सी प्लस फोर थीटा साई दे रखा है और वगैरह साई इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा, तो कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साई डी थीटा इक्वल्स टू, तो यहाँ से जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपको ये मिल गए मिलेगी, ठीक है। ये देखो कितना ऑब्वियस क्वेश्चन आ गया, पी ऑफ एक्स इक्वल टू फोर ई की फोर ई की पावर टू एक्स, और कह रहा है इसका इंटीग्रेशन बताना है, तो इसका इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल है, ठीक है ना। तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग लास्ट में आ गए हैं बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो कितना आसान दे रखा है कि टेन क्यूब एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, तो क्या करो यहाँ से टेन एक्स कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो टेन एक्स जब कॉमन ले लोगे आप तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स है ना, और प्लस वन, ये कितना होता है, ये हो जाएगा टेन एक्स और इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ से डी एक्स लगा दो, टेन एक्स को टी मानो तो यहाँ से इंटीग्रेशन टी डी टी बनेगा, और यहाँ से बन जाएगा वन बाई टू टी स्क्वायर प्लस सी, जब इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो वन बाई टी स्क्वायर वन बाई टू आंसर यहाँ से ये मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, क्लियर है। आपको दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वाई दे रखा है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज होता है, तो व्हाट इज द टोटल चेंज इन वाई, तो वाई में टोटल चेंज इतने का हो जाएगा, ठीक है। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है फंक्शन ये दे रखा है साइन एक्स अपॉन एक्स, और कह रहा है ये कंटिन्यूस भी है, कंटिन्यूस है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी बराबर होगी, तो लिमिटिंग वैल्यू साइन एक्स अपॉन एक्स की कितनी होती है, हमेशा इक्वल टू वन होती है भाई। साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है आप बताओ, इतना ही होता है ना। अच्छा आ जाओ, कह रहा है द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई, इसका आपसे सोल्यूशन पूछ रहा है, इसका सोल्यूशन आप जब निकालेंगे ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन, ई की पावर लॉग एक्स हमेशा एक्स होता है, तो एक्स और इंटू कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ठीक है ना, इंटीग्रेशन वाला, तो यहाँ से ये आपको आंसर मिल जाएगा। ये देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये भी क्वेश्चन पहले भी था, बस थोड़ा अंतर है। देखो आपसे कह रहा है इसका डोमेन बताओ, तो देखो यहाँ से क्या करो, कॉस इनवर्स एक्स माइनस टू इक्वल टू थीटा ले लो, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, कॉस थीटा बराबर कितना, एक्स माइनस का टू, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी लाई करती है भाई, कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, कॉस थीटा आपका हमेशा माइनस वन से वन तक लाई करता है, तो यहाँ से जब माइनस वन से वन तक यहाँ जब रखोगे तो माइनस वन रखोगे और यहाँ से ये रखोगे तो आपको यहाँ से ये वन कॉमा थ्री आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं और वीडियो भी ख़त्म ही होने वाला है, ठीक है। आइए, कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन, देखो चैप्टर मतलब सेकंड बुक के एट चैप्टर का ये क्वेश्चन है, साफ साफ है बिल्कुल, आप जैसे ही करेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, ये तो कोई भी लगा देगा, है ना, एट्थ क्लास का नाइन्थ क्लास का बच्चा भी इसको करेगा, ठीक है ना। और यहाँ से डी वाई बॉन्ड डी एक्स दे रखा है, तो डी वाई बॉन्ड डी एक्स इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, यहाँ से ये आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये तो कितना अच्छा क्वेश्चन, क्या करो एक्स की पावर एन एक्स मतलब एक्स की पावर एन माइनस वन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये पहला ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा। कह रहे व्हाट इज द मैक्स मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड, मॉड में मिनिमम वैल्यू हमेशा जीरो मिलती है, मॉड का मतलब क्या, नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब जीरो मिनिमम मिल जाएगी। कह रहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ऑफ द इंटीग्रेशन, ये कह रहा है इसका इंटीग्रेशन करिए, और कह रहा है कि और वो रैशनल नहीं होगा, तो रैशनल नहीं होगा उसका कंडीशन लगाना, तो आपको यहाँ से जो के की वैल्यू जो है इतनी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस करे, ठीक है ना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे, और अगर आपके जितने भी क्वेश्चन सही आए हुए हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और हमारे वीडियोज़ जो भी आप देखते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर फ्यूचर for all the things which you are doing for your future, theek hai na, clear hai, thank you everyone for watching the video।